आज हम पढ़ेंगे फाइलम फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का की एक क्लास पढ़ेंगे। क्लास को तीन प्रकार की होती है। पहली है गैस्ट्रोपोडा, छोटा लिखना है। सेकेंड है लैम्ब्रिबेंशियम, थर्ड है सेफलोपोडा। तो यहाँ मेनली अपन अभी गैस्ट्रोपोडा की बात करेंगे कि गैस्ट्रोपोडा का हम पढ़ें कैसे, या ये तीन जो क्लास है उसमें अपन पहले गैस्ट्रोपोडा पढ़ेंगे। तो गैस्ट्रोपोडा में होता क्या है, गैस्ट्रोपोडा, तो गैस्ट्रो दो शब्दों से मिलकर बना है गैस्ट्रोपोडा। एक है गैस्ट्रो और दूसरा है पोडा। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, जिसका मतलब होता है पेट, और पोडा का मतलब होता है फूट, जिसका मतलब होता है पैर। तो ये पेट और फूट जिसके अर्थ है, इससे मिलता है गैस्ट्रोपोडा बना हुआ। अब हम ये पढ़ेंगे गैस्ट्रोपोडा बना तो है, पर ये रहता कहाँ कहाँ पे, इसका एनवायरनमेंट क्या है, इसकी मोड ऑफ लाइफ क्या क्या है। तो हम इसके एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। या इसको हम बोल सकते हैं मोड ऑफ लाइफ। तो ये तीनों जगह रहता है, एक तो एक फ्रेश वाटर में भी रहता है, एक ये लैंड में भी रहता है, और एक मराइन में भी रहता है। हम देखेंगे कि अलग अलग फॉर्म में रहता है, अलग अलग वैरायटी होती है गैस्ट्रोपोडा की। हम ये देखेंगे कि मराइन में क्या कौन रहता है, लैंड में कौन रहता है, और फ्रेश वाटर में कौन रहता है। हम देखते हैं मराइन में, मराइन रहता है मूरेज, एक वैरायटी है गैस्ट्रोपोडा की। अब कॉन्टिनेंट एक है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर और एक इसमें रहता है अपना हेलिक्स, नहीं इसमें लानुर्वेज रहता है, इसमें हेलिक्स रहता है। यहाँ हो गए। अब अपन पर्टिकुलर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको हल्का सा मिटाना चाहूँगा, हल्का सा, क्योंकि इसकी डायग्राम बनाना जरूरी है। मेनली समझना अपना गैस्ट्रोपोडा होता कैसा, दिखता कैसा है, और पर्टिकुलर तो मैं इसको नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। एक प्रकार गैस्ट्रोपोडा सेफ है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपोडा में, हम गैस्ट्रोपोडा में किसको क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर एक एग्जांपल है अपने पास। ये आप लोगों ने देखा होगा कि अपने आप बहुत सी जगह मिल जाता है, जैसे खेतों में, बाड़ियों में, या फिर छोटे छोटे मैदानों में बारिश समय बहुत देखने को मिलता है। तो अपन मेनली क्या करते हैं पैलिंट्रोलॉजी में, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो इसका जो अंदर जो एनिमल रहता है वो वाला पार्ट होता है, और एक ये ऊपर वाला पार्ट होता है, सब शॉर्ट पार्ट होता है, थर्ड पार्ट होता है। तो पैलेंटोलॉजी में हम शॉर्ट पार्ट की अपेक्षा थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसको ना देखते हुए सॉफ्ट पार्ट की मॉर्फोलॉजी ना देखते हुए हार्ड पार्ट की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो हार्ड पार्ट की मॉर्फोलॉजी हम मेनली इसको पढ़ेंगे। मेनली हम ये देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है, क्या क्या होता है। हमें दिख रहा है गोल टाइप का दिख रहा है, स्पायर टाइप का दिख रहा है, दो पार्ट होते हैं इसमें। यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट होता है, और यहाँ से यहाँ तक, ये फिर इसको अपन यहाँ से यहाँ तक बोल सकते हैं, दो पार्ट होते हैं। तो स्पायर गोल एक पार्ट हो जाता है, और ये जो सेकंड पार्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ,
बॉडी वोट के दो पार्ट होते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड और ये बॉडी कॉर्ड। बॉडी कॉर्ड जहाँ एनिमल रहता है, यानी कि यहाँ पे एनिमल रहता है, इसलिए मैंने इसको बॉडी कॉर्ड बोला। बॉडी कॉर्ड है ना। अब दो भाग हो जाते हैं, दो भाग होते हैं जब पढ़े देखे होंगे कि पोस्टीरियर साइड होते हैं, एंटीरियर साइड होती है। एंटीरियर साइड जिससे हम खाते हैं और पोस्टीरियर साइड जिससे हम निकालते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर साइड ये नीचे वाला भाग यहाँ से खाते हैं, जो खुला वाला भाग जो होता है यहाँ का है ना, ये वाला भाग इसको हम एंटीरियर बोलेंगे। एंटीरियर और जो सबसे लास्ट वाला भाग होता है, ये वाला ऊपर वाला भाग होता है, इसे कहेंगे पोस्टीरियर। वहां तक निकली है। अब अपन पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, इसमें क्या क्या होता है। ये छोटी सी बिंदु निकली है, कोन टाइप के से कोन टाइप के रहती है ना, इसको क्या हम इसको इसके भी नाम होते हैं, इसको हम नाम बता नाम इसमें अलग से पढ़ते हैं। ये जो बिंदु यानी कि कोन टाइप का जो बिंदु है, जो लास्ट वाला वो होता है, उसको कहेंगे एपेक्स। और ये फर्स्ट वाला बोर्ड होता है, ये फर्स्ट वाला जो होता है इसको कहेंगे कुटुकुंज। अब ये तो पता है बोर्ड है, ये छोटे छोटे ये। अब यहाँ पे दिख तो रहा है, जैसे इसमें अपन कहा कि ये जो दिख रहा है उसमें ये छोटे छोटे स्लाइड डिप्रेशन दिख रहा है जो लाइनें बनी हुई है। ये जो लाइनें होती हैं स्लाइड डिप्रेशन, जैसे ये इसको होता है, इसको क्या कहते हैं, इसे मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं इसे, एक मिनट देख लूँ इसे, हाँ इसे सूचर लाइन कहते हैं, मैं भूल रहा था नाम नहीं आ रहा था, इसे सूचर लाइन बोलते हैं। ये इसको जो बोर्ड बनते रहते हैं, बोर्ड ऐसे बने बने रहते हैं, ये जो बीच की लाइन होती है उसको कहते हैं सूचर लाइन कहते हैं। ये जो लाइन होती है यहाँ देख लेता हूँ, ये बॉडी बोला जाता है। अब पता नहीं प्रोटोकॉन बदल सब चुका है, जो खुला वाला भाग होता है, खुले वाले भाग को कुछ है नहीं, तो खुले वाले भाग को अपर्चर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्वेश्चंस में आते हैं, आप इसको अपर्चर कहेंगे। अब यहाँ तक हो गया। अब इसके लिए यहाँ तक इसको एक नॉर्मल एक तक कहते हैं, इसके बाद इसके दो प्राइवेट कूलिंग होती है जिसके अकॉर्डिंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि अलग अलग कहकर बांट सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, और एक होती है सिनिस्टर। अब एक्चुअली क्या है, इंग्लिश कमजोर है तो ये जो डेक्स्ट्रल फिनिंग होती है, डेक्स्ट्रल ही होते हैं, ये जो होती है क्लॉकवाइज होती है और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। आप इसको हम पहचानेंगे, एक तो ये उदाहरण हो गया कि इसको क्लॉक वाइज पहचान सकते हैं, जो कूलिंग कॉइलिंग जो है वो क्लॉक वाइज हुई तो अपन क्लॉक वाइज पहचान सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज हुई तो एंटी क्लॉक वाइज। इसके एक और चीज पहचानने लायक होता है इस अपर्चर, जैसे ये अपर्चर होता है तो ये राइट हैंड में होता है, राइट साइड होता है, राइट साइड अपर्चर होता है, इसका जो अपर्चर होता है और इसका जो होता है लेफ्ट साइड, हम अपर्चर से ही पहचान सकते हैं। जिसका अपर्चर लेफ्ट साइड होगा वो सिनिस्टर कॉइलिंग हो जाएगी और जिसका अपर्चर राइट साइड होगा वो डेक्स्टर कॉइलिंग हो जाएगी। तो पर्टिकुलर सिनिस्टर कॉइलिंग जो होती है बहुत कम गैस्ट्रोपोडा पाए जाते हैं, जैसे कि जो टाइप जो होते हैं बहुत कम है, जैसे कुछ टाइप हैं बहुत कम, जैसे फाइजा, फाइजा एक एग्जाम्पल है। फाइजा हो गया, ये और बाकी जितने भी हैं अधिकतर
अधिकतर जो आते हैं नेशनल कॉलिंग के अंदर, नेशनल कॉलिंग के अंदर जाए। अब इसका जो कॉल है, जैसे अब जैसे अपन बोलते हैं कि अपन सेल का अध्ययन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आता है कि गैस्ट्रोपोडा का जो सेल होता है इसको आप बोलोगे क्या, इसका नाम क्या है, इसे राइटर ने कुछ नाम दिया होगा या किसी बुक्स में, जैसे हम किसी जन पढ़ते हैं तो उस पर भी कुछ दिया होगा, ना इसको बोलते क्या है। तो अब इस पूरी चीज को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर इसकी जो सेल होगा इसको बोलेंगे कॉन्च, 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 ये पर्टिकुलर होता है। अब दो टाइप के क्या होता है, एक सेल होते हैं, तो बोल दी कि पर्टिकुलर ये कॉन्च होता है, दो टाइप के सेल होते हैं। मैं इस पर यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पर बता देता हूँ, सेल को पता नहीं कि हमें तो कौन सी बोलते हैं, आपको पता है आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक, तो एन आइसोट्रॉपिक सेल होते हैं और आइसोट्रॉपिक भी सेल। तो ये एनिसोट्रॉपिक जो सेल होते हैं वो 3D होते हैं, 3D यानी x y z है ना, थ्री डायरेक्शन हो जाते हैं। और जो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं वो टू डायरेक्शन में होते हैं, 2D होते हैं, यानी ये और इसमें थ्री डायरेक्शन, ठीक है, ये पकड़ लिए। अब पर्टिकुलर हमें बोलेंगे 2D क्यों होते हैं, नाटिका, नाटिका जो एग्जांपल है वो गैस्ट्रोपोडा का आता है। तो नाटिका जो है इसका फॉर्म ग्लोबुलर होता है, GLOUBAR ग्लोबुलर जो है उसको कहेंगे, तो उसका जो फॉर्म होगा वो आइसोट्रॉपिक सेल के अंदर जाएगा क्योंकि वो 2D होता है। नाटिका ऐसी बनती है ना, नाटिका ऐसी बनती है, डिस्कॉइडल प्लैनोसोरस का जो फॉर्म होता है वो 2D होता है, ठीक है। अब बाकी जो जैसे ट्यूरिटेला, टर्बो है ना, कोनश है ना, और जो फॉर्म आते हैं वो 3D डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे अभी ये जो फॉर्म है ये अपना 3D डायरेक्शन है क्योंकि ये 3D दिख रहा है ना, जैसे नाटिका दिखेगी तो 2 फॉर्म में दिखेगी, 2D दिखेगी तो 2D हो जाता है। गोल गोल वाली है, इतनी इतना ही है, बाकी का जो बाकी इसमें क्या होता है, अब जैसे आप इतना पढ़ लिए, अब इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स पढ़ना है, इसके फॉर्म के अंदर क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन में आप जैसे ये पढ़ लिया, इस पर गोल क्या होता है, छोटी सी डेफिनेशन हो जाएगी, इस पर फ्यूचर की डेफिनेशन, स्लाइड डेफिनेशन किसका होता है, स्लाइड डेफिनेशन अपेक्स पूछते हैं एंगल क्या, मतलब किस क्राइटेरिया में, किस क्राइटेरिया में बॉल का पूछता है, अपर्चर पूछ लेता है। और मेनली ना